मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम रिविजन वर्क फॉर फाइनल एग्जाम इन GK फॉर क्लास फर्स्ट. सो सम MCQs आर गिवन हियर, वी विल रीड दैम एंड फाइंड आउट द आंसर. ओके, अपोजिट फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट. सो वॉट इज द अपोजिट फॉर नॉर्थ? साउथ. सो वी विल पुट अ टिक मार्क ऑन साउथ. नाउ सी द सेकेंड वन. Opposite for dark, light, thin. What is the opposite for dark, children? Light. So put a tick mark on light. See the third one. Which letter comes between X and Z? X और Z के बीच में कौन सा letter आता है? N आता है कि Y आता है? Yes, कौन बताएगा? Yes, X, Y, then Z. So we will put a mark, tick mark on Z, Y. See the second, fourth one. Which is junk food? Junk food किस कौन सा है? Pizza, chapati. सबको junk food पसंद है. Pizza तो सबको पसंद है, पर pizza कौन सा food है? Junk food. So we will tick a put a tick mark on pizza. Pizza पे right लगाएंगे क्योंकि junk food पूछा है ना, तो junk food pizza है. See the fifth one, which is healthy drink. Healthy drink कौन सा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? कोका कोला के मिल्क? Yes, मिल्क. मिल्क बच्चों को पसंद नहीं है, फिर भी मिल्क पीना चाहिए क्योंकि हेल्दी ड्रिंक है, दूध पीने से ताकत आती है. See the sixth one, name the activity you should do to be fit. हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हम फिट रहें, तो हमको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? वॉचिंग TV के स्विमिंग? स्विमिंग. सो वी विल पुट अ टिक मार्क ऑन स्विमिंग, तैरना. सो सी द नेक्स्ट वन, सेवन्थ वन. विच इज ए गोल्डन वर्ड? गोल्डन वर्ड कौन सा है? ऐसे तो गोल्डन वर्ड 5 है, सॉरी, थैंक यू, पर इसमें हमको एक ही पूछा है, परमिशन, थैंक यू, विच इज अ गोल्डन वर्ड. सो थैंक यू इज अ गोल्डन वर्ड. 5 में से ये थैंक यू यहाँ आया, तो थैंक यू गोल्डन वर्ड है. सी द 8th वन, स्विमिंग इज डन इन. स्विमिंग कौन से सीजन में करते हैं हम? समर सीजन में कि विंटर सीजन में? विंटर सीजन में ठंड लगती है, समर सीजन में स्विमिंग करने में मजा आता है ठंडे ठंडे पानी में, तो स्विमिंग पे टिक करेंगे. सी द 9th वन, आइस हॉकी इज डैश स्पोर्ट. आइस हॉकी कौन सा स्पोर्ट है? विंटर स्पोर्ट है कि समर स्पोर्ट है? आइस हॉकी इज ए विंटर स्पोर्ट. सी द 10th वन, सेलिंग इज डैश स्पोर्ट. सेलिंग कौन सा स्पोर्ट है? समर विंटर. सो सेलिंग इज ए समर स्पोर्ट. नाउ सी द 11th क्वेश्चन चिल्ड्रन. लूडो इज डैश गेम. लूडो कौन सा गेम है? आउटडोर गेम है कि इंडोर गेम है? हम लूडो कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर के घर के बाहर? घर के अंदर. सो वी विल पुट अ टिक मार्क ऑन आउटडोर. सी द 12th वन, क्रिकेट इज डैश गेम. क्रिकेट कौन सा गेम है? इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है? क्रिकेट हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, इसलिए क्रिकेट इज ए आउटडोर गेम. सो वी विल पुट अ टिक मार्क ऑन आउटडोर. सी द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 13. MS धोनी इज ए क्रिकेटर, बैडमिंटन प्लेयर. MS धोनी कौन सा प्लेयर है? क्रिकेट खेलता है या बैडमिंटन खेलता है? यस, सबको पता है इसका आंसर, तो हु विल टेल मी? यस, टेल. क्रिकेटर, वेरी गुड. सो वी विल पुट अ टिक मार्क ऑन क्रिकेटर. नाउ सी द नेक्स्ट वन, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल. सबने सुनी है ना ये पोयम? इज ए फेमस राइम के फेमस स्टोरी. क्या ये कहानी है कि पोयम है? राइम, यस, पोयम. सो पुट अ टिक मार्क ऑन राइम. सी द 15th वन, मैरी हैड ए लिटिल डैश. मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब. किस नो? यस, लैम्ब. सो पुट अ टिक मार्क ऑन लैम्ब. सी द नेक्स्ट वन, वन
2, 3, 4, 5. Once I caught a dash alive. Crocodile के fish. क्या आएगा इसको पूरा करने में सेंटेंस को? Once I caught a fish alive. So put a tick mark on fish. See the 17th one. I want to visit a friend in my neighborhood. मुझे अपने पड़ोस में मेरे दोस्त से मिलने जाना है. I can travel by. हमें किसके किसके ऊपर जा सकता हूँ? एरोप्लेन में जाना पड़ेगा कि साइकिल पे? साइकिल. वेरी गुड. पुट अ टिक मार्क ऑन साइकिल. See the next one, 18th. Which means of transport can we keep in our garage? सबके घर में गैरेज होता है ना, गैरेज में कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम रख सकते हैं? कार के शिप? शिप रखते हैं हम? नहीं, हम कार रख सकते हैं. सो पुट अ टिक मार्क ऑन कार. सी द 19th वन. डैश इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का पार्ट कौन सा है? माउस की फुटबॉल. सबको पता है माउस इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर. सो पुट अ टिक मार्क ऑन माउस. सी द 20th वन. देयर आर डैश मंथ्स इन ए ईयर. एक साल में कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं कि 12 मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. सो दिस इज योर लास्ट MCQ. सो एवरीबडी विल लर्न देम. These questions will come in your exam. So this was your first revision work. We will do some more revision work tomorrow or day after tomorrow. Okay? So till then, bye bye and take care and learn for, prepare for your exams.